जब एजुकेशन कंप्लीट की तो मैंने बैंक में एज इंटर्नशिप की थी, जस्ट फॉर एक बैंक का वो देखने की किस तरह होता है इंटर्नशिप के लिए। आई स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड, इस्लामाबाद से ही मैंने किया। तो मैंने उनसे इंटर्नशिप की 2-3 महीने और उसके बाद दे ऑफर मी अ जॉब। मैं एज अ बैंकर मैंने 4 ईयर्स काम किया, एज अ ब्रांच मैनेजर और इन्वेस्टमेंट मैनेजर विद रिप्यूटेड बैंक्स के साथ किया। लेकिन मैंने कहा ना कि हर इंसान की एक खुदादाद सलाहियतें होती हैं जो कहीं ना कहीं बैक हेड में आपको जो है ना वो एक सिग्नल मिल रहे होते हैं। तो जब मैं बैंक में थी, क्योंकि बैंकर भी एक उनका इंट्रैक्शन जो होता है वो क्लाइंट्स और डिफरेंट मैंटेलिटी लोगों के साथ होता है, उठना बैठना होता है, आपके पास आते हैं, तो मेरी अक्सर जो सोशल उसमें डिस्कशन होती थी और उस डिस्कशन में मेरा टॉपिक ही हमेशा, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम द वेरी ऐसे एरिया से कहूँगी साउथ वज़ीरिस्तान और बिलोंग फ्रॉम महसूद कबाइल, जो टेररिज्म या टेररिस्ट के हवाले से बहुत वो था, वहाँ पर एजुकेशन फ़ीमेल का नहीं, फ़ीमेल के जॉब्स की तरफ आना ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारी बहुत कम फ़ीमेल्स एजुकेशन या इस चीज़ों में थी और ये जॉब्स के ऊपर आना बहुत कम होता है, वो भी सेटल एरियाज़ में आके। तो जब भी मैं अपने इलाके वापस जाया करती थी तो मुझे अक्सर वो चीज़ें फ़ील होती थी कि थैंक्स टू माय फादर कि उन्होंने वहाँ से हमें उठाया, हमें प्राइमरी स्कूल के बाद यहाँ ला के एजुकेशन करवाई, हमारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करवाई और इतना कॉन्फिडेंस दिया कि उन्होंने हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका दिया कि आप लोग जो अपने आप को मनवा सको, कि जो आप में अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है उस पर आप अपने पाँव पर इंडिपेंडेंट खड़े हो। और ये बहुत कम होते हैं, ये सिर्फ मैं मस्ट एरिया की बात नहीं करूँगी, ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत कम पेरेंट्स होंगे जो बेटियों को सपोर्ट करते हैं। तो जब मैं वहाँ बैठती थी, सोशल गैदरिंग होती थी, लोगों से डिस्कशन, तो मैं हमेशा बात करती थी एक्स फाटा के लोगों की, वहाँ की महरूमियों की, बिकॉज देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर एंड एक्स फाटा। तो वो चीज़ें मैं डिस्कस स्पेशली फीमेल्स की करती थी। तो मुझे फिर हमारे ही एक बैंक के प्रायोरिटी क्लाइंट थे, अब वो ज़िंदा भी नहीं है, रिटायर्ड ऑफिसर थे, मिलिट्री ऑफिसर थे, दे उनने मुझे कहा कि आप जो बातें करती हैं, जो कर रही हैं सब कुछ, तो आप ग्राउंड पे लोगों के लिए क्यों नहीं आती हैं, उन लोगों की आवाज़ बनकर बात करें काम, व्हाई नॉट यू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी। मुझे पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट दूसरों से भी ऑफ़र हुई, लेकिन चूंकि मैं कहा ना कि हमारे लोग बहुत कंजर्वेटिव माइंड के लोग हैं, वो नहीं इजाज़त देते पॉलिटिकल, उस पर ये बड़ा स्टेप था उठाना कि आप पॉलिटिक्स में जाओ, क्योंकि आप फीमेल्स जो हैं वो टीचर बन जाती हैं, डॉक्टर्स बन जाती हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएंगी, पॉलिटिक्स पे एक ऐसा स्टैंप लगा हुआ था फीमेल्स का कि जो वो एक सब फीमेल्स जो फैमिलीज़ होती हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि हमारी फ़ीमेल जाएँ, फिर लोग उनको गलत अल्फाजात से बुलाते हैं, पीछे बातें होती जो हर फैमिली या आपका बाप हो, भाई हो, हस्बैंड अफोर्ड नहीं कर सकती चीज़ें। फिर मैंने वाले साहब से डिस्कस किया कि अगर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँ तो उन्होंने एकदम समझेगा कि बेटा, क्योंकि जाहिर है एक बाप अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं कि वो किस तरह की नेचर के, उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी सोच क्या है, नज़रिया ना, मैंने उनको बताया कि मैं ये चाहती हूँ, इस तरह अगर हो सब कुछ। तो फिर उन्होंने डिसीजन में कहा ठीक है बेटे, अच्छी बात है, आई विल सपोर्ट यू डेफिनेटली, लेकिन मेरे नज़दीक पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ के आते हैं। मैं खुद पीपल्स पार्टी में रह चुका था स्टूडेंट लाइफ में, थ्रू आउट बेनज़ीर जब तक जिंदा थी उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने फिर अपने लाइफ में अगर किसी को नज़दीक से देखा तो वो खान साहब थे, मैं उनको अगर प्रेफर करता हूँ कि तुम अगर कोई चेंज आती हो तो तुम पीटीआई ज्वाइन करो। तो इस टाइम हमारा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, मैंने ज्वाइन किया, अल्लाह का शुक्र फैमिली सपोर्ट हुई और मैंने फिर इस तरह एक अचानक ही अपनी बैंकिंग सर्विस को स्टॉप किया, छोड़ा मैंने, और पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई से ऑफर थी, मैंने ज्वाइन किया। आई ज्वाइन एज अ यूथ सीएसी कमेटी मेम्बर, जो उनकी कोर कमेटी मेम्बर थी एक्स फाटा से सेंट्रल लेवल पे। फिर मैं एनडीआई एक अदारा था, नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, उसके साथ फाटा के जो मर्जर के हवाले से प्रोग्राम्स होते थे, तो मैं एनडीआई की लाइजन ऑफिसर ऑल फाटा से बनी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की,
और फाटा रिफॉर्म की तरफ पीटीआई की तरफ से पहली फ़ीमेल थी कमेटी की मेंबर, जो सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी अलायंस की मैं वाहिद फ़ीमेल थी पीटीआई की तरफ से। मर्जर के जो इस्लाहाती प्रोग्राम था उसमें मैंने खुद अपना रोल एज अ सिंगल फ़ीमेल अदा किया है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर और कोई फ़ीमेल्स नहीं थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो एफ़र्ट्स काम आई, अपने इलाके पे काम किया, अपने लोगों के लिए अच्छे डिसीजन पे उनके साथ जो है उस पर एक फोकस रखा। तो उस चीज़ का ये फ़ायदा हुआ कि आज माशाल्लाह मेरे से जो कोलीग हैं माशाल्लाह दे आर सिटिंग इन MNAs और कोई मिनिस्टर हैं। और जब हमारे 2018 के इलेक्शन हुए तो उस पर कभी फाटा मर्ज नहीं हुआ था, तो मुझे कहा गया कि आप, मैंने 2013 में डिस्ट्रिक्ट टांग KP से सेनेट का PTI का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था 2013 में। 2018 में मुझे बहुत ऑफर की कि आप PTI से KP से अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दें, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने थ्रू आउट काम फाटा पे किया है और मैं अगर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराऊंगी तो मैं अपने मर्ज अजला से ही जमा कराऊंगी। और जो कि बड़ा ही मैं कहूँगी रिस्क वो था, क्योंकि 18 में हमारे पास KP से ज़्यादा पोजीशंस थी, मर्जर एरियाज जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट उसमें 4 पोजीशंस थी एंड गॉड नोज़ कि हम कितनी सीट्स जीत सकते थे। ये रिस्क मैंने लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पार्टी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पे फर्स्ट नेम जो है वो मेरा एज अ मेरिट पे उन्होंने भेजा कि हम फाटा से अगर फीमेल फर्स्ट फीमेल की नॉमिनेशन करेंगे तो वो हम अनीता की करेंगे। द रीज़न वाज दैट कि मेरी वो स्ट्रगल जो उनके साथ थी वो स्ट्रगल उनको पता थी और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एज अ फीमेल मैंने वहाँ पर PTI की गवर्नमेंट की सपोर्ट से वहाँ पर डेवलपमेंट काम्स करवाए जो डिफरेंट उससे हैं, अगर ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड हो, लोकल गवर्नमेंट से हो, या रोड से रिलेटेड हो, वट एवर जो अवामी इश्यूज़ जो है उनके उनके लिए हल होते हैं, उनके मसले मसाइल जो वहाँ पर हैं जो बुनियादी उसके ऊपर जो है वो मैंने काफ़ी उनको सपोर्ट किया। और मुझे खुशी होती है कि आज वहाँ के लोग ये कहते हैं कि 72 ईयर्स के बाद हमें आज तक किसी की कोई फ़ीमेल ने हमारे लिए मसाजिद में सोलराइजेशन करके दी है, हमें गर्ल्स स्कूल्स बनवा के दिए हैं, हमें ड्रिंकिंग वाटर का फीमेल्स का हमारा बड़ा इशू है वहाँ पर, ख्वातीन नीचे वहाँ पर, ये आप उनको क्या बोलते होंगे जो हमारे पश्तों में तो चने बोलते हैं, चश्मे वगैरह जो होते हैं वो उधर से पानी भर के लेके जाती हैं, तो उनके लिए वहाँ पर जो है वो सोलर बेस्ड जो ट्यूबवेल्स का होता है वो करवा के दिए हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए करवाए हैं। तो PTI गवर्नमेंट इसमें बहुत इनिशिएटिव ले रही है और काम भी कर रही है। नो डाउट कि एक इलाका जो कानून या आईने पाकिस्तान के अंदर था ही नहीं, तो वहाँ पर कोई ऐसा वो था ही नहीं कि चेक बैलेंस, अब तो चेक बैलेंस वो स्टार्ट हो गया कि वहाँ पर प्रॉपर जो है ऑडिट होगा, हर चीज़ का देखा जाएगा। तो अब वो ये हो रही है कि चीज़ें सेटल डाउन होना जा रही हैं, लेकिन टाइम कंज्यूम है, क्योंकि सदियों के जो मसले होते हैं वो एक या दो साल में नहीं होते। वी नीड सम टाइम कि हमारा इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले जितने साल होंगे और अगर गवर्नमेंट PTI की अभी की है या आगे भी मौका मिला तो हम इतनी डेवलपमेंट करेंगे कि वो लोग वापस जाके वहाँ पर अपने इलाकों में डेवलप हों, उनको ये ज़रूरत ना हो कि मैं लाहौर, कराची, पेशावर मैं एज़ IDPs रहूँ क्योंकि मेरे इलाके में कुछ नहीं है। डेफिनेटली जहाँ कल्चर ही नहीं है कि वो खातून वहाँ बैठे, आज मैं एज़ अ फीमेल जर्गों में औरत कभी नहीं बैठी कि वो जर्गे के फैसले के, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एरिया बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी की उस पर, तो मैं वहाँ पर वो एल्डर्स जो कभी पूछते नहीं थे वो एल्डर्स आज मेरे साथ बैठते हैं एज अ, मैं जर्गा लीड करती हूँ, मैं उनके साथ डिफरेंट इश्यूज़ को सॉल्व करती हूँ। तो मैं एक्सेप्टेंस 100% बिल्कुल नहीं कहूँगी, लेकिन वो जितनी भी 30-40% भी अगर उनकी है तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि वो एक्सेप्ट किए कि खातून आएँ, वो हमें बताएं कि ये इस तरह करो और इस तरह ना करें, ये यहाँ काम करना है यहाँ नहीं, ये भी एक्सेप्ट करना बड़ी बात होती है। तो टाइम के साथ इंशाल्लाह ऐसा टाइम आएगा कि 100% भी एक्सेप्टेंस हो जाएगी। फिर मैं अगर अपने प्रोविंस की बात करूं KP की, तो KP प्रोविंस फीमेल की जो लेजिस्लेशन के हवाले से पार्लियामेंट में बात करूं तो वो उनकी बहुत है अदर देन बाकी जो सूबे हैं, और काफ़ी लेजिस्लेशन में जिस तरह हमने डिस्कस भी किया कि डिफरेंट इश्यूज़ पे, बिल्स पे बिल टेबल भी हुए हैं, बहुत से करारदादे भी हुई हैं, उस पर काम कर रही हैं। और अप्रोच डेफिनेटली एक एज अ कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर ऑल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन पे हैं, चाहे मेल इलेक्शन करके आते हैं या फीमेल रिजर्व सीट पे आती हैं। आईनी लिहाज से तो आप एक
एक आपका वोट वन वोट ही है कंसिडर होता है। थोड़ी सी हमारी पार्टी फिर भी मैं कहूँ केपी में, अगर अपने साथ कहूँ तो मेरे साथ ठीक है, बिकॉज मैं मेरे साथ दूसरे हलके में जो MPA हैं मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारा जो एक डिस्ट्रिक्ट है साउथ वलूचिस्तान, उसमें दो हलके हैं, एक में MPA मेल है, एक में हमारे JUI के हैं। तो बींग अपनी सिटिंग गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव मैं अपने हलके की हूँ, तो मैं जो बात करती हूँ, डिमांड करती हूँ, काम करती हूँ, तो वो मुझे पॉलिटिकली सपोर्ट मिलती है। मे बी आई थिंक बहुत सारे फीमेल्स को डेवलपमेंट में इतनी सपोर्ट नहीं होगी जितनी मुझे मिली है। द रीज़न वाज दैट कि मेरी पार्टी का वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो मैं करती हूँ। लेकिन फ़र्क वाकई होता है, वो उतना नहीं सपोर्ट होता फीमेल को जितना मेल्स को सपोर्ट किया जाता है। मैं अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करती हूँ और फिर साथ मर्ज एरिया की, फीमेल एक्सेप्शन्स जो होती है वहाँ पे, ख़वातीन को एक्सेप्ट करना, जो माइंडसेट इलाके जिन लोगों का जहाँ जिस तरह होते हैं ना, वहाँ फिर डेफिनेटली आपको फील। अब KPK में मैं ये नहीं कहूँगी कि वो इतने लिबरल हैं कि वो ख़वातीन को एक्सेप्ट करते हैं सब 100%, ना ही मर्ज एरिया में जब हैं वो लोग इस तरह हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी शायद इसलिए कर जाती हैं कि अगर फीमेल को हम करते हैं और हम वो सीट हार जाते हैं तो एक लॉस होता है। लेकिन अब थोड़ा जिस तरह मैं कहती हूँ चेंज आया है कि मर्ज एरिया से आज ख़वातीन बैठी हैं, आज 4 फीमेल्स पार्लियामेंट में मर्ज एरिया की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। तो डेफिनेटली जो फीमेल पॉलिटिकल उस ट्रैक पर हैं, तो वो एंड तो नहीं कि वो एक उनकी, लेकिन मैं सोचूंगी मेरा एक विजन था आने का कि मैंने क्या करना है, पॉलिटिक्स में कहाँ जाना है। मैंने उस तरह से रोल अदा किया, मैंने ग्राउंड पॉलिटिक्स अभी की है, जो इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं एक हल्के के, मैं उस तरह एक हल्के की ग्राउंड पॉलिटिक्स कर रही हूँ। तो बिल्कुल आपकी बात ये सही कि हमें बहुत से इश्यूज़ हैं उस तरह से, और मैं चाहती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, कम अज़ कम हम उन फीमेल्स को वो ये सपोर्ट करें जो उनके लिए आउट ऑफ द वे जाके काम कर रही हैं, जो ग्राउंड पॉलिटिक्स में जाके अपने आप को मनवा रही हैं। तो उनको ऐसी सीट्स पर लाना या उनको एक्सेप्ट करना, उनको कंसिडर करना फॉर इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए करना चाहिए। मैं खुद चाहूँगी कि अगर ये चीज़ हमारा 5% कोटा है ये इंक्रीज़ होकर 10 हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। ये एक 100% तो मैं नहीं कहूँगी कि फ़ीमेल्स की जो आबादी का रेशियो उसके मुताबिक है, लेकिन अब टाइम इतना आगे कि अब कम अज़ कम आप जो हैं वो उसको इंक्रीज़ करें। हमारी फेडरल में देखें फ़ीमेल इलेक्शन कंटेस्ट करके आई हैं, हमारी KP में एक फ़ीमेल ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, धीर जैसे इलाके में किया था जहाँ पर कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता ट्राइबल्स एरिया की तरह, उसने 12,000 वोट लिए थे, बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरह मौका अगर मिले दिया जाए और देना भी चाहिए ताकि वो अपने आप को मनवा सके, और इसी तरह फ़ीमेल के जो इशूज़ होंगे वो रिज़ोल्व भी होंगे, क्योंकि एक फ़ीमेल ही फ़ीमेल्स के ज़्यादा इशू रिज़ोल्व कर सकती है। मेरा मैसेज तमाम ख़वातीन के लिए ये होगा कि जो ख़वातीन उन एरियाज़ या जिस भी एरिया से हैं और उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है, पहले पॉलिटिक्स में आने का रीज़न वो जान जाएं कि उनका क्या रीज़न है। पॉलिटिक्स में आने का मतलब है आप आवाम की खिदमत करना है। अगर कोई अपने अंदर ये सलाहियत देखती है कि मैं अवामी इश्यूज़ को जानती हूँ और मैं उनको सॉर्ट आउट भी कर सकती हूँ और मेरा पैशन है कि मैं उनके लिए अपना टाइम निकाल के काम करूँ, तो फिर इस प्रोफेशन को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि इंसानों की खिदमत करने से अल्लाह भी खुश होता है। और फिर आने के लिए हिचकिचाहट बिल्कुल इसलिए महसूस ना करें कि कोई ना कोई तो एक स्टेप उठाएगा ना। मैंने एज़ ए फ़ीमेल मर्ज एरिया से पहला स्टेप उठाया तो वो बहुत मुश्किल होते लोगों के लिए, लेकिन उठाया, और मैं उनके पेरेंट्स को और उनके घर के जो उनके सरपरस्त हैं जो भी, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली आप पॉजिटिव वे में अपनी फ़ीमेल्स को सपोर्ट करें। ज़रूरी नहीं कि पॉलिटिक्स में फ़ीमेल आए तो वो एक गलत इमेज या गलत सोच के साथ होते, अगर उनकी सोच विजन अपने लोगों के लिए कुछ बेहतरी के लिए है तो प्लीज़ आप जो है उनको पॉजिटिव सपोर्ट के साथ, उनको कॉन्फिडेंस और सपोर्ट दें ताकि वो अपने लिए भी, अपनी ख़ानदान, अपने कौम के लिए भी एक अच्छी इज्जत का नाम बनाए और अपने लोगों के लिए भी फलाह के लिए बहुत अच्छे काम कर सकें।